हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऐप लॉक वगैरह को सेट कैसे कर सकते हैं और ऐप लॉक अपने फ़ोन में कैसे लगा सकते हैं रेडमी नोट 13 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप लॉक को सेट कैसे कर सकते हैं और फ़ोन में ऐप लॉक कैसे लगा सकते हैं रेडमी नोट 13 5G फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि ऐप लॉक सेट कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स आइकन पे चले जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो सेटिंग्स पे जाकर आपके पास ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का, तो आपको यहाँ से सिक्योरिटी सेटिंग्स पे यानी ऐप सेटिंग्स पे चले जाना है। तो ऐप सेटिंग्स पे जाकर आपके पास ये ऑप्शन आता है ऐप लॉक, तो ऐप लॉक को आप इसके ज़रिए सेट कर सकते हैं और ऐप लॉक भी फ़ोन में लगा सकते हैं। पहले तो पासवर्ड डाल के ओपन कर लेना है। तो ऐप लॉक को सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इस तरीके से हमने यूट्यूब ऐप आइकन से उस पर लॉक लगा दिया है, एंड आप गेम्स पे भी लगा सकते हैं लॉक, कुछ और भी ऐप्स उन पर भी लॉक लगा पाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप ऐप्स को ओपन करते हैं तो इसमें लॉक वगैरह शो हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ से भी ऐप लॉक को यूट्यूब पर भी शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। और आप चाहें तो देख सकते हैं कि सिक्योरिटी पे जाकर भी ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी पे जाते हैं तो यहाँ से ऐप लॉक सेटिंग्स आपके फ़ोन में आ जाएगी, जहाँ से डायरेक्टली आप ऐप लॉक सेटिंग्स पे जाकर यहाँ से ऐप लॉक को आप सेट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं रेडमी नोट 13 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।